मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक और वीडियो बच्चों के लिए। कई माताओं ने, कई बहनों ने इसके विषय में सिफारिश की थी कि बैठी सांवले बच्चों को रंग निखार के गोरा कैसे किया जाए। देखिए, वैसे तो रंग जो है कुदरत की देन होती है और ये पारिवारिक देन भी होती है। कई परिवार सांवले रंग के ही होते हैं और उनकी जनरेशन उसी रंग में चलती रहती है, परंतु यदि आप प्रयास करें तो इसको बदला जा सकता है। और उसी क्या आज मैं उपाय आपको बताऊंगा, और बहुत साधारण उपाय बताऊंगा, कोई मुश्किल उपाय नहीं है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी त्वचा पारदर्शी होती है और 3-4 दिन तक पारदर्शी रहती है वो। उसके बाद धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। देखिए, जब तक बच्चे की आयु 2 महीना नहीं होती तब तक उसकी त्वचा पर कोई भी बाहरी चीज, हमें वस्तु प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उसको साधारण हल्के गुनगुने पानी में नहलाते रहिए और बहुत मुलायम कपड़े से उसके शरीर को पोंछते रहिए। यह सावधानी बहुत जरूरी है। 2 माह जब बच्चे की आयु हो जाएगी तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं। इससे बच्चे का रंग भी सुधरेगा और उसके शरीर पर जो अनावश्यक बाल वगैरह रहते हैं वो भी समाप्त होंगे, दोनों काम एक साथ समाप्त होंगे। तो प्रतिदिन बच्चे को हल्का गर्म तेल से मालिश करें, नहाने से पहले मालिश अवश्य करें। इससे क्या होता है, बच्चे के शरीर में सुर्खी आती है, उसका शरीर गर्म हो जाता है और उसमें सुर्खी आनी शुरू हो जाती है। और धूप जरूर दिखाएं, उससे विटामिन डी उसको मिलता है। और हल्के गर्म पानी से नहलाएं। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए एक स्क्रब बनाने का तरीका। स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध, लगभग 50 मिलीलीटर, या जैसा बच्चे का स्वास्थ्य है, उसका शरीर है, उसके अनुसार कम या अधिक आप ले सकते हैं। उसमें 8 से 10 ग्राम बेसन मिला लीजिए, 2 ग्राम मुश्किल से हल्दी मिला लीजिए और चंदन, चंदन का पाउडर 5 ग्राम के आसपास उसमें मिलाइए, और एक धागा केसर का डाल दीजिए उसमें, और इसका पेस्ट बना लीजिए, महीन पेस्ट फर्स्ट क्लास, जो बच्चे के शरीर पर महसूस ना हो बिल्कुल। बेसन एकदम बारीक होना चाहिए और ऐसे ही हल्दी एकदम बारीक होनी चाहिए। इसको थोड़ी देर मिला करके आप रख दीजिए, आधा घंटा रख दीजिए, ये फूल जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करके इसको बच्चे के पूरे शरीर पर मालिश इसकी कर दीजिए और 10-15-20 मिनट के लिए इसको सूखने दीजिए। उसके पश्चात हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को नहला दीजिए। और एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, इसमें आपको लेना है कच्चा दूध और गुलाब जल, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए, 25-25 मिलीलीटर ले लीजिए, और इसमें बेसन और हल्दी उसी प्रकार से मिला लीजिए और इसकी भी मालिश कर सकते हैं। ये भी एक स्क्रब है। तो ये 2 स्क्रब मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद नहलाने के पश्चात आपको एक मैं बताता हूं मॉइस्चराइजर, एक मॉइस्चराइजर मैं बताता हूं, उसको लगा लगा करके छोड़ दें और कपड़े पहना दें बच्चे को। इसमें आपको लेना है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें दूध की क्रीम मिला लीजिए ग्लिसरीन में, तो ये एक प्रकार का हल्का पेस्ट क्रीम जैसा बन जाएगा। इसको बच्चे के पूरे शरीर पर आप लगा के चेहरे पर लगा दें अच्छी तरह से और मालिश कर दें, ये सूख जाता है, सोख लेता है और इसके बाद महसूस भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया था। तो इससे बाहरी वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता। और यदि आपको दूध की क्रीम आपके पास नहीं है तो आप सूखा दूध पाउडर मिला करके भी इसको बना सकते हैं, उसे भी, ये भी एक मॉइस्चराइजर बन जाएगा। और बच्चे को लगाएं और प्रतिदिन लगाएं इसको, और सबसे पहले ये जरूर देख लें कि बच्चा इसको बर्दाश्त कर भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चे की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है। हो सकता है उसको हल्दी से ही एलर्जी हो सकता है उसको बेसन से एलर्जी हो, या उसको दूध से ही एलर्जी हो। तो ये इसको थोड़े से शरीर पर लगा करके उसके पहले चेक कर लीजिए, उसके पश्चात आप निरंतर इसका प्रयोग करते रहिए। आप देखिए आपका बच्चा खूबसूरत सांवला रंग
उसका समाप्त हो जाएगा और वो गोरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, सुंदर लगेगा बच्चा। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको ताजे फलों का रस दीजिए, अंगूर का रस दीजिए, संतरे का रस दीजिए, अनानास का रस दीजिए, मौसमी का रस दीजिए, लेकिन बाजारू रेडीमेड कोई भी जूस नहीं देना है बच्चे को, यदि आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से आप लाभ उठाते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो, लेकिन इन जानकारियों को आप शेयर अवश्य किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।